जरूर करो, तनकीद करो, असां जे उते जोर तो सदा गैर हक मरदे हो, असां उते तनकीद करो, बिला वजह भी करो, कोई मसला नहीं, लेकिन जुबान तो गलत लफ्ज निकाला ने, या मेरे किसी बुजुर्ग और प्राउडर आंख वट के देखा ने, तो तुम्हें पैदा करने वाले जी अखियां कट के रख। इस हरिपुर के अंदर एक तब्दीली आई है कि असां दे जेड़े भरा एमपीए बने उस टाइम इन्होंने मिल के इस हरिपुर के सरकारी मुलाजमीन की इज्जत नफ बहाल की है, किसी नाल सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बढ़ाया, प्यार मोहब्बत बांटा है। लेकिन मेरे बुजुर्गो दोस्तों, इस हरिपुर नजर लगी अख्तर नवाज खान का शहीद कर दिया गया, उस तो बाद असा दे जड़े जन्मे दे एमपीए जो एक एक करके चाहे वो किसी भी तरीके से उन्हें इलेक्शन तो जो बाहर हो गए, तो फिर उस तो बाद जड़ा इंतकामी जोर तुमने देखा, आज कोई सरकारी मुलाजम किसी जगह गुजर नहीं सकता या के सामने कोई खान ना रहे थी तो फिर वो देख सी सलाम न कीता तो दूसरे दिन ट्रांसफर करके दूर पहाड़ा में फेंक देता जुलसी। खातीन भी ट्रांसफर किया गया, बूढ़े मुलाजमीन भी ट्रांसफर किया गया, हत्ता के एक कला खोर जेड़ा बेचारा अपने घर के नजदीक अपनी कम तनख्वाह में गुजारा कर दाया और तभी एक बुनियाद से ट्रांसफर किया गया कि उन्होंने सलाम नहीं करता या उन्हें वोट नहीं देना। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, अभी अजी सियासत से लानत भेज दिया आया, असाने कदे किसी नाल सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। उधर कुछ लोग बैठे थे, मैं आके असाने कदे किसी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, इंशाल्लाह कामयाब हो अगा भी चंद लगवा छोड़ के सियासी इंतकाम का निशाना ना बना सा, चंद लोग छोड़ के बहुत जरूरी हो गया, उन्हें लोगों का रास्ता रोकना बहुत जरूरी हो गया, लेकिन नाल उन्हें चंद टाउटा का रास्ता रोकना बहुत जरूरी है जेडे इस हरिपुर में बदमनी का बाल बन दे, जेडे इन लोग सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए अपने सियासी अकां चुल के आखते हैं कि असा ट्रांसफर कर दे। इंशाल्लाह स्टेज तो अज मैं तुझा नाल भी वादा करना कि जदों इंशाल्लाह इंशाल्लाह इलेक्शन आती कामयाबी तो सारे जड़े जन्मे का मुकद्दर बनती, तो उन्हें टाउटा वास्ते इंशाल्लाह इस हरिपुर के दूर दराज मुकाम से इंशाल्लाह की सहूलत मयसर करता ताकि आइंदा वास्ते हरिपुर में इस तरह की मदद नहीं हो। बाकी बाबर नवाज खान का मैं आखिरी गल करता, टाइम में ज्यादा जा के ले बाबर नवाज खान का मेरे भतीजे का हमेशा एक ही सोच के नाल आवाम वास्ते मैदान में आया, उसने अपने शहीद वालद नाल वादा किया था उसके जनाजे से, उस तो बाद अल्लाह के फजल और करम नाल जब वो कामयाब हो तो फिर तुमने देखा कि अपने थोड़े जे मुख्तसर अरसे में इस हरिपुर वास्ते उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, आज उसके प्रोजेक्ट होते बिजली और गैस होते तख्तियां ला के मां से हैरत होती शर्म ही नहीं आती। और आज वो दौर मेरे बुजुर्गो दोस्तों, आज वो लोग तख्तियां ला ला के जदों इफ्तिताह कर दें तो बाबर नवाज खान के मनसूबे होते ही तख्ती ला के इफ्तिताह करके उसी के खिलाफ प्रोपोगंडा कर दें।